हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्वयंनी ब्राह्मण के बारे में। तो स्वयंनी ब्राह्मण कौन थे और इनका भारत के इतिहास में क्या योगदान है? तो इसमें दो शब्द हैं, स्वयंनी और ब्राह्मण। ब्राह्मण तो समझ में आता है, स्वयंनी कौन थे तो उसे इनको जानते हैं। ये मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली के बेटे थे। इनकी मृत्यु कर्बला की लड़ाई में हुई थी। फातिमा की बेटियों और बेटों के साथ वास्तव में बेहद गलत हुआ था। बेटियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार राजा दाहिर की बेटियों के साथ हुआ था, वही बर्ताव बेहद दुखी करने वाला है। कर्बला जो इराक में बगदाद में है, उसमें दो पक्ष लड़ रहे थे। एक तरफ खलीफा, दूसरी तरफ अली के लोगों में लड़ाई हुई थी, जिसमें अली के बेटे हुसैन, जिनके ऊपर हमने बात की थी, उनकी मौत हो गई थी। उसी के दुख में हर साल ताजिया सिया लोग निकालते हैं। ताजिया निकालने में आज भी दूसरे पक्ष वाले हिंसा करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण कौन थे, इसके बारे में जानकारी हमें सिया मुस्लिमों से ही मिलती है। सियाओं का कहना है कि ईरान से कोई कनेक्शन चंद्रगुप्त से था, जिसकी वजह से इस लड़ाई में उन्होंने मदद मांगी और उनकी मदद के लिए 500 दत्त ब्राह्मण भेजे गए बगदाद। और ये ब्राह्मण बाद में काफ़ी समय बाद भारत लौटे। यही लोग हुसैनी ब्राह्मण हैं। जैसे ये संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण परिवार से हैं। संयोग से संजय दत्त की पत्नी भी मुस्लिम ही है और सुनील दत्त की नरगिस भी मुस्लिम थी। ये संयोग है या परंपरा, भगवान जाने। इनका धर्म क्या है, ये हिंदू ही हैं। बस कर्बला में सियाओं की तरफ से लड़ने और सैकड़ों साल बाद बगदाद में रहने के कारण जब ये भारत आए तो इनकी पहचान इनकी हुसैनी ब्राह्मण बन गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।